वेलकम टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में टेंथ का जो प्रैक्टिस सीरीज है उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग फिर 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कंसेप्ट पे आधारित होगा। यदि आप हमारे वीडियो को रेगुलर देख रहे होंगे तब आपको टेंथ का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और सवाल आसानी से बनना चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आप अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो अपलोड करने के साथ ही जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को दोस्तों आप लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, आपके एक लाइक से मेरा जो उत्साह होता है वो दोगुना हो जाता है। दोस्तों पहला सेंटेंस है कि आई विश आई डैश डैश द CM ऑफ बिहार, काश मैं बिहार का CM होता। तो दोस्तों जब किसी वाक्य से कोरी कल्पना का बोध हो, एक ऐसी कल्पना जो पूरा नहीं हो सकती है, तो हम उस वाक्य में V2 का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो यदि होना क्रिया हो, याद रखिएगा सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो यदि होना क्रिया हो तो हम वेयर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बी मिस होता है होना, बी मिस क्या होता है होना, और उसका दूसरा रूप दो होता है, एक वाज होता है और एक वेयर होता है। इसलिए जब कोरी कल्पना हो जैसे आई विश काश कल्पना का सेंस हो तो सब्जेक्ट कोई भी हो, आई हो, ही हो, सी हो, सिर्फ वेयर का प्रयोग किया जाता है। यदि होना क्रिया नहीं हो, यदि कोई मेन वर्ब आए आपका, मतलब जैसे इनवाइट, तो वहाँ पे आप इनवाइटेड V2 का प्रयोग करेंगे, या कोई चीज़ आपके पास होने का सेंस हो तो वहाँ पे आप हैड का प्रयोग करेंगे, जैसे काश मेरे पास पैसे होते तो आई विश आई हैड मनी। यहाँ भी ये हैड भी आपका हैव का V2 है, मेन वर्ब के रूप में है। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है कि वी डैश डैश नॉट सीन, ये जो आपका नॉट सीन है यहीं पे फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। हर सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, तो दोस्तों ये जो सीन्स है कल सुबह से, तो यदि कोई कार्य पहले से जारी हो और अभी भी पूरा नहीं हो तो वो आपके दो सेंटेंस होते हैं, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे जो सी है इसमें ING नहीं लग सकता है, तो यह जो आपका टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो वी हैव नॉट सीन, सिर्फ यहाँ पे हैव जोड़ देंगे, वी हैव नॉट सीन हर सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। अगला प्रश्न है कि आई मेट हिम व्हेन ही डैश डैश, देखिए दोस्तों एक कार्य कोई पहले से हो रहा हो और उसी दौरान कोई दूसरा कार्य हो तो बाद में होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट और पहले से जो चल रहा है पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। जैसे जब मैं उससे मिला, आई मेट हिम, मैं उससे मिला, व्हेन जब वह क्या कर रहा था, रोड को क्रॉस कर रहा था, ही वाज क्रॉसिंग द रोड। जैसे यहाँ पे वाक्य के दो भाग हैं, एक एक्शन पहले से हो रहा है और उसी दौरान कोई दूसरा कार्य होता है, तो जो कार्य बाद में होते हैं उसके लिए दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है और जो पहले से हो रहा है उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। आई मेट हिम व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द रोड। अगला क्वेश्चन है कि ही लेफ्ट द हाउस ओनली व्हेन ही डैश डैश ऑल हिज वर्क, दोस्तों उसने घर छोड़ दिया मतलब घर से निकल गया केवल तब जब वो सारे कार्यों को क्या कर लिया था, समाप्त कर चुका था, तो ही हैड डॉन होगा, क्या होगा, ही हैड डॉन। क्यों दोस्तों, क्योंकि यदि किसी वाक्य के दो पार्ट हो और दोनों ही पार्ट्स में किसी ऐसे कार्य का बोध कराया गया हो जो बीते हुए समय में समाप्त हो तो एक तरफ V2 होता है और एक तरफ हैड प्लस वर्ब 3 होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि दे नॉट फाइंड हिम द डे बिफोर यस्टरडे, तो यहाँ जो आपका 5 नंबर है नॉट फाइंड द डे बिफोर यस्टरडे अर्थात बीते हुए समय की बात हो रही है, तो डिड नॉट फाइंड होगा, दे डिड नॉट
फाइंड, क्या होगा दोस्तों, दे डिड नॉट फाइंड। यदि आपका कोई बीता हुआ समय का बोध हो और उसके पहले फॉर या सिंस नहीं दो, नहीं लिखा हो, यहाँ पे फॉर या सिंस नहीं हो, तो आप उसमें सिर्फ वी टू का, या निगेटिव है तो आप डिड का प्रयोग करेंगे। द पिक्चर वॉज डैश डैश ऑन द वॉल, जो तस्वीर था वो दीवार पर था। तो द टीचर द पिक्चर वॉज हैंगिंग ऑन द वॉल, हैंगिंग। रोहनी डैश डैश टू मैरी रोशन। दोस्तों जब किसी वाक्य से सामान्य वाक्य का बोध हो तो यहाँ पे, या किसी की इच्छा का बोध, जैसे रोहनी वांट्स टू मैरी होगा, क्या होगा, वांट्स टू मैरी रोशन। ऑल माई गेस्ट्स वेयर इन द हॉल। दोस्तों सभी मेरे दोस्त लोग बरामदे में क्या थे, सीट, तो सीटिंग होगा वेयर सीटिंग, इसमें आईएनजी कर दें, क्योंकि जो बैठे हैं वहाँ पे बैठने का सेंस, मतलब बैठे हैं तो आपका कार्य जारी है, बैठे थे तो जारी था। द इंग्लिश डैश डैश इंडिया फॉर गुड। दोस्तों द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग, अंग्रेज लोग भारत को छोड़ते हैं कि छोड़े, छोड़े, तो क्या होगा यहाँ पे, लेफ्ट, बीते हुए समय की घटना है बहुत पहले की। आई सी यू सिंस यू कैम हियर, सिंस। टेंथ नंबर जो सवाल है आपका, यहाँ भी सी में आई एनजी नहीं लगेगा, अब देखिए सिंस आया है और यू कैम हियर, जब से तुम यहाँ आए हो मैं तुम्हें देख देख रहा हूँ, तो देखने का कार्य पहले से शुरू है, उसका समय दिया है, तो यहाँ पे आई हैव सीन यू सिंस यू कैम हियर, यहाँ पे दूसरा चीज है, कार्य पहले समाप्त है, एक कार्य पहले हुआ है और तब से मैं उसे देख रहा हूँ, तो देखने का कार्य क्या है, जारी है, तो कार्य जारी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कार्य जारी है फिर भी इसमें जो क्रिया है उसमें आईएनजी नहीं लग सकता है, तो वहाँ पे क्या होगा आपका, आई हैव सीन यू होगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 years पास सिंस माई फादर डाइड। दोस्तों जब से मेरे पिताजी मरे तब से 3 वर्ष बीत चुके हैं, 3 वर्ष बीत चुके हैं, तो यहाँ पे 3 वर्ष बीत चुके हैं, कोई कार्य समाप्त हुआ हो तो 3 years हैव पास्ट, 3 years हैव पास्ट, सिंस यहाँ पे आया है, अर्थात यहाँ पे हम एक पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहे हैं, तो उसमें से 3 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी जारी है, तो समाप्ति का सिंस 3 years हैव पास्ड होगा। अगला क्वेश्चन है कि आई शैल टॉक टू हिम, मैं उससे बात करूँगा, व्हेन ही डैश डैश फ्रॉम लंदन, जब वो लंदन से आएगा, तो एक तरफ आपका शैल विल, तो दूसरे तरफ वर्ब 1 है वर्ब 5, ही के साथ आप वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे, तो ही रिटर्न्स। एज सुन एज द पुलिस कैम, ज्यों ही पुलिस आई, एज सुन एज द पुलिस कम, ज्यों ही पुलिस आई, द क्रिमिनल्स, अपराधी क्या हुए, भाग गए। दोस्तों जब किसी बीते हुए समय के दो कार्यों के बीच समय अंतराल बिल्कुल ही कम हो, तो हम दोनों ही वाक्यों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, तो द क्रिमिनल्स रैन अवे हो जाएगा, रैन अवे। आगे बढ़ते हैं, दे कम शॉर्टली, वह तुरंत ही आया, तो दे विल कम, वे तुरंत ही आएंगे, दे विल कम। आगे है कि माई फादर डैश डैश 70 लास्ट वीक। दोस्तों जो 15 नंबर आपका सवाल है, तो पिछले सप्ताह मेरे पिताजी 70 के थे, तो बी मिस वाज होगा यहाँ पे, लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह, बी मिस होना होता है, तो बी का रूप होता है इज आर एम वाज वेयर, तो यहाँ पे माई फादर के साथ तो वाज आएगा, क्योंकि लास्ट वीक बीते समय का घोतक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आप अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप ज़रूर ही लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, आपके एक लाइक एक कमेंट से मेरा जो उत्साह होता है वो डबल हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आई विश आई डैश डैश महात्मा गांधी, काश काश मैं महात्मा गांधी को देखा होता, काश। द आई
काश मैं महात्मा गांधी को देखा होता। तो इधर आई विश, आई हैड सीन काश मैं महात्मा गांधी को देखा होता। आई विश आई वॉज बॉर्न इन 1950, काश मैं 1950 में जन्मा होता। मोहन इन द लास्ट एग्जामिनेशन फेल्ड, लास्ट मैंने पिछला परीक्षा, तो फेल्ड यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका होगा भी टू फेल का, केवल ईडी जोड़ देंगे फेल्ड हो जाएगा। राम डैश डैश नॉट बिल्ट इन अ डे, सॉरी रोम एक दिन में नहीं बना था, मैंने किसी भी चीज़ का विकास एक दिन में नहीं होता है। तो ये बीते हुए समय की बात है, एक बहुत बड़े नामी शहर की बात हो रही है। तो रोम वाज, बी मिस क्या होता है, इज आर एम वाज वेयर, तो रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ था, ये बहुत ही एक फेमस सेंटेंस है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। आई डैश डैश और एक्सा पुलर स्टडी, यस्टरडे बीते हुए समय का घोतक है, और इसके पहले फॉर या सिंस नहीं आया है। तो मैंने कल एक रिक्शा चालक से मिला या मिलता हूँ, तो मैंने कल एक रिक्शा चालक से मिला, तो इसमें आपका केवल मेट होगा, आई मेट अ रिक्शा पुलर यस्टरडे। इंडिया डैश डैश फ्रीडम इन 1947, यदि कोई कार्य दोस्तों समाप्त हो और उसका समय दिया हो तो सिर्फ भी टू का प्रयोग करते हैं। तो इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, इट इज़ हाई टाइम, दोस्तों काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पे, कि यदि किसी वाक्य में इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ एप्रोप्रिएट टाइम दिखाई दे तो उसके बाद आने वाले वाक्य में हमेशा भी टू का प्रयोग होता है। इट इज़ हाई टाइम यू रिटर्न्ड होम, रिटर्न्ड सिर्फ इसमें ईडी जोड़ देंगे रिटर्न्ड। अगला क्वेश्चन है कि हाउ विल ही मैनेज ऑल दिस विदाउट योर हेल्प, कैसे वो इन सभी को आपके मदद के बिना करेगा। विल है तो वर्ब वन आएगा, तो मैनेज ही आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। वेयर द गंगा इज डैश डैश, दोस्तों इस सेंटेंस को सही करना है तो गंगा एक सिंगुलर है, द गंगा, तो यहाँ पे दोस्तों वेयर के पहले हम लिखेंगे डॉज। वेयर डॉज द गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम, गंगा कहाँ से निकलती है। वाराणसी डैश डैश ऑन द बैंक ऑफ गंगाज, ऑन द बैंक ऑफ, दोस्तों 2018 के 17 के 19 के पेपर में आया था, 12th के एग्जामिनेशंस में, कि सिचुएटेड या स्टैंड ऑन द बैंक, की एट द बैंक, बैंक तो ऑन द बैंक ऑफ गंगा, तो स्टैंड्स होगा यहाँ पे, क्या होगा स्टैंड्स, स्थिति बताना है स्टैंड्स प्रेजेंट की। तो दोस्तों यह जो वीडियो है आपके 12th या बिहार STET दोनों ही परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि अभी तक आप इस मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो निस्संदेह आपको सफलता मिलेगी, आप अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप में वो जुनून है सीखने की, आप मेहनत करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।